नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे झारखंड में नगर निगम चुनाव को लेकर। नगर निगम चुनाव को लेकर देश के ज्यादातर राज्यों में मामले अटक रहे हैं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के दौरान मामला कोर्ट में पहुंच गया था, उसके बाद बिहार में अभी भी मामला कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में निकाय चुनाव में देरी की बात कही जा रही है, और इधर झारखंड में होने वाले निकाय चुनाव का रास्ता अब लगभग साफ हो गया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि 19 दिसंबर को झारखंड में 48 नगर निकायों का चुनाव हो सकता है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो यह बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा कर सकती है। इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जा रहा है कि रांची में मेयर के आरक्षण के विवाद को लेकर सरकार चुनाव की तिथि में भी बदलाव कर सकती है। तो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना से ठीक पहले यह भी कहा जा रहा है कि झारखंड में आरक्षण का मामला अटक सकता है। बताया जा रहा है कि कुछ निकायों में महापौर और अध्यक्ष के पद के लिए आरक्षण का मामला अटका हुआ है, जिसमें कि संशोधन की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि रांची नगर निगम के महापौर के पद को SC में रखने को लेकर विरोध जताया जा रहा है। इधर आदिवासी समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात किया है, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में हो रहे निकाय चुनाव को 5वीं अनुसूची के प्रावधानों का सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इन संगठनों का मानना है कि इन क्षेत्रों में सामान्य कानून के तहत चुनाव होना चाहिए। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अगर इस पर विचार करते हैं तो यह मामला अटक सकता है, यानी कि चुनाव जो तय समय निर्धारित की जा रही है दिसंबर का महीने में, उसमें जो है देरी हो सकती है। आपको बता दें कि झारखंड में दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह में 48 नगर निकायों के मेयर, अध्यक्ष और वार्ड पार्षद के पद के लिए चुनाव होना है। कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रथम चरण में यानी कि एक चरण में चुनाव को करवाया जाएगा। इसमें 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पालिका में मतदान करवाने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, सरकार की मंशा यह भी है कि जब वह अपने कार्यकाल का तीसरा साल मनाए तो उनके पास कहने के लिए यह रहे कि हमने पिछले लंबे समय से अटके हुए नगर निकाय चुनाव को संपन्न करवाया है। इधर झारखंड निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी खबरों की माने तो आयोग चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। आयोग ने मतदाता सूची को लेकर आरक्षण रोस्टर और वार्ड के परिसीमन का काम भी पूरा कर लिया है। इतना ही नहीं, आयोग ने स्ट्रांग रूम का भी निर्माण कर दिया है। चुनाव के दौरान सुरक्षा के लिहाज से पुलिस फोर्स का भी बंदोबस्त किया गया है। एक तरफ से कहें कि चुनाव को लेकर आयोग पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। अगर सरकार की तरफ से कोई पेच नहीं फंसता है तो यह चुनाव दिसंबर के तीसरे सप्ताह में होने की संभावना जताई जा रही है। झारखंड निकाय चुनाव को लेकर एक दलील यह भी दी जा रही है कि अगर इस साल तक निकाय चुनाव नहीं हुआ तो एक और पेंच फंस सकता है। जानकारों का कहना है कि अगर इस साल तक चुनाव नहीं हुआ तो अगले साल के चुनाव के लिए आयोग को एक बार फिर से नए सिरे से मतदाता सूची जुड़वाना होगा, जिसमें कि एक लंबा समय लगेगा और चुनाव फिर से कुछ महीनों के लिए टाला जा सकता है। ऐसे में अब सब कुछ सरकार के पास है कि वह आगे क्या चाहती है। आयोग ने अपनी तरफ से चुनाव कराने की बात कह दी है। अब सरकार के पास यह पूरा मसला है कि वो आरक्षण के मामले पे जिस तरह से विरोध हो रहा है उस पर सॉल्यूशन करती है, या फिर अगर अगले साल चुनाव की बात कही जा रही है तो उसमें नए मतदाताओं का नाम फिर से मतदाता सूची में जोड़ना पड़ेगा, तो ऐसे में कुछ महीने की और चुनाव में देरी हो सकती है। तो सब कुछ अब झारखंड सरकार यानी कि हेमंत सोरेन पर डिपेंड करता है कि झारखंड में जो है चुनाव को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर किस तरह की स्थितियां बनानी है। तो ये थी झारखंड निकाय चुनाव से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।